आपकी हिंदी अध्यापिका डीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं कुछ शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाने के लिए बताऊंगी, ठीक है ना। यहाँ लिखा है शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, उसके बीच बीच में हल्का चिन्ह लगाया गया है, जैसे कि यहाँ दिया है राम धन गाना धन गा धन रहा धन है, ठीक है ना। यहाँ शब्द क्या है, अलग अलग है, और इन शब्दों को जोड़ करके क्या करना है, वाक्य बनाना है, ठीक है ना। अब इन शब्दों को कैसे जोड़ेंगे मैं बता रही हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां राम दिया है, तो राम गाना गा रहा है, इन्हीं शब्दों को हम लिख देंगे प्लस हटा करके, यानी धन का जो चिन्ह है इसको हटा करके और इन्हीं शब्दों को लिख देंगे, तो अब हो गया ना एक सेंटेंस बन गया, राम गाना गा रहा है। जब धन के चिन्हों को हटा दिए हैं तो एक वाक्य बन गया। देखिए जैसे राम गाना गा रहा है, अच्छा लगता है ना। दूसरा है बंदर धन पेड़ धन पर धन बैठा धन है, तो इसमें क्या है, इस वाक्य में शब्द अलग अलग है, इस लाइन में क्या है, सारे शब्द अलग अलग दिए गए हैं, और जब इन शब्दों वाक्य बनाएंगे तो देखिए उसको पढ़ने में कैसा लगता है, या क्या है, सारे शब्द अलग अलग है, बंदर धन पेड़ धन पर धन बैठा धन है, ठीक है ना। तो इन शब्दों को जोड़ करके हम लोग एक वाक्य बनाएंगे। आइए अब इसको हम लोग एक वाक्य बनाते हैं। बल क्या है, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक है ना। हम लोग धन के चिन्हों को इसमें से हटा दिए हैं और वही शब्द नीचे जोकर लिख दिए हैं, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो क्या हो गया, एक वाक्य बन गया है बच्चों। तीसरा क्या है, तीसरा है कुत्ता धन दौड़ धन रहा धन है, ठीक है। तो इन शब्दों को क्या करना है, जोड़ करके लिख देना है। कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, अब इन शब्दों को जोड़ दिए तो एक वाक्य बन गया, ठीक है बच्चों। क्या बन गया, एक वाक्य बन गया, कुत्ता दौड़ा है, तो कितना अच्छा लग रहा है सुनने का। हम लोग छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बनाए, वाक्य क्या है, राम गाना गा रहा है, पढ़ने में और सुनने में सुंदर लग रहा है। दूसरा है बंदर पेड़ पर बैठा है, ये भी वाक्य सुनने और पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना। कुत्ता दौड़ रहा है, ये भी एक वाक्य है, और इन छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके हम लोग क्या किए हैं, एक वाक्य बनाए हैं, और इस तरह से वाक्य बना करके जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को भी एनुअल एग्जाम में इस तरह के शब्द दे दिए जाएंगे और आप लोगों को ऐसे ही जोड़ करके लिखना रहेगा, ठीक है ना। इन शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को शब्दों को जोड़ करके
Thank you.